हमें पता ही नहीं है कि जीवन को इस तरीके से भी जिया जा सकता है। हमें लगता है कि ऐसे ही मम्मी पापा जिए, ऐसे ही दादा दादी जिए, और यही हमें सिखा के गए और देख भी रहे, सबका जीवन ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि सभी एक ही तरीके से जी रहे हैं। कुछ लोग, उन्होंने इस भीड़ का हिस्सा बनने से अपने आप को इनकार कर दिया। वो बोलते हैं, मैं इनकार करता हूँ इस पागलों की दौड़ में दौड़ने का। वो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं और फिर वो बोलते हैं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। बस इतना सा है, संघर्ष नहीं करना है जीवन में, जीवन मस्त जीना है। तो मस्त जीने के लिए एक अपनी जिम्मेदारी लेना होगा, दूसरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि जब एक साथ कई लोग वाइब्रेशन भेजते हैं ब्रह्मांड में, तो बड़ा बड़ा तूफान भी चेंज हो जाता है। शिव योग में हमने पुणे के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ तूफान आने वाला था उड़ीसा बॉर्डर पर। अवधूत बाबा शिवानंद जी थे, हम सब साधक बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा हम इस तूफान को चेंज करेंगे, और उन्होंने सबको मेडिटेशन कराया और बोलिए उस तूफान को हम एनर्जी भेजेंगे और ये समुद्र तट से दूर चला जाएगा, हमारे इंडिया के तट पे नहीं आएगा। और जितने ग्रुप थे शिवयोग के, सब में मैसेज भेजा गया, और एक कॉमन टाइम पे, कॉमन समय में सबने एक साथ साधना की, सबने एक साथ इंटेंशन भेजा, और आधे घंटे बाद न्यूज में आया कि वो तूफान तट को टच करके चला गया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो जब आप पूरे परिवार को एक कड़ी बना लेते हो, पूरा परिवार एक साथ साधना करता है, एक ही समय में करता है और एक ही चीज के लिए करता है, तो आप एक एनर्जी का विस्फोट बन जाते हो, एक बॉम्ब बन जाते हो। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने घर में एक छोटा सा पौधा लेके आइए और उस पौधे को कहीं पर रख दीजिए, और सब लोग एक साथ मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन करने के बाद 2 मिनट के लिए सारे लोग उस पौधे को एनर्जी दीजिए, और 1 महीने में देखिए उस पौधे के अंदर क्या बदलाव आएंगे, 3 महीनों में देखिए क्या बदलाव आएंगे। मेरे घर में एक नींबू का पेड़ लगाया था मेरे फादर इनला ने, उनका रूम उनके बगल में ही है जहां पेड़ लगाया, डेली वहीं पे मेडिटेशन करते हैं, और एनर्जी इतनी ज्यादा है उस रूम की कि वो एनर्जी बाहर भेजते हैं। उस नींबू के पेड़ में इतने नींबू निकल रहे हैं, इतने नींबू निकले और इतने बड़े बड़े, मैंने आज तक इतने नींबू किसी पेड़ में नहीं देखे। तो पापा बोले कि बेटा ये बीज अच्छा होगा, मैंने कहा बीज अच्छा नहीं है, इसमें जो आप हीलिंग कर रहे हो उसका असर है। और ये बहुत सही बात है, अगर आप करना देखना चाहते हो तो अपने घर में करके देखिए। तो जब पौधे हीलिंग एनर्जी ले सकते हैं तो ये बच्चे क्यों नहीं। बदलाव आपसे होगा, गलत हम सिखा रहे हैं इन्हें, और गलत कौन सिखा रहा है, मीडिया। अगर मीडिया को अपन ब्लेम करेंगे तो जिम्मेदारी हमारी है कि वो लोग मीडिया की बातों को माने कि आपकी बातों को माने, इसीलिए हम वो एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं हाथ के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपकी दोबारा आंखें खोलने के लिए हैं, वैदिक विज्ञान की बातें।